हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लिए लाए हैं ये जो स्लिप फ्लिप वाला एक डिस्प्ले, जिसके मदद से आसानी से वॉच बना सकते हैं। कोई भी नंबर हम लोग इस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये फ्लिप करेगा, फ्लिप करके 1 2 3 4 करके ऐसे इस पे दिखाएगा। तो ये हम लोग बनाते हैं जो कि एक ही मोटर से इसको चलाएंगे। तो आप चाहे तो इसको आप 4 यूज कर सकते हैं, करके आसानी से एक वॉच बना सकते हैं। तो चलिए, ये जो स्लिप फ्लिप वाला जो डिस्प्ले है वो किस प्रकार से हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। ये जो मोटर है, मोटर को हमने इस पर फिट कर दिया जो कि फ्लिप करेगा। फ्लिप करेगा किस प्रकार से, इस मोटर के जरिए ये फ्लिप करेगा, ठीक है। और इसका जो मोटर का जो कनेक्शन है उसको हम लोग मोटर का जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर पे हम लोग फिट करेंगे, और वही कंट्रोलर से हम लोग वायर को निकाल के इस आर्डिनो बोर्ड पे हम लोग लगाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है वो किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोटर का जो कनेक्शन है उसको हम लोग इस कंट्रोलर पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बीसीसी को बीसीसी पे लगाएंगे, ग्राउंड को ग्राउंड पे लगाएंगे। उसके बाद जो कि इनपुट वन है, इनपुट वन को हम लोग लगाएंगे आर्डिनो के D9 पे। उसके बाद इनपुट टू को हम लोग लगाएंगे आर्डिनो बोर्ड के D10 पे। उसके बाद इनपुट थ्री को हम लोग लगाएंगे आर्डिनो के D11 पे। उसके बाद इनपुट 4 को हम लोग लगाएंगे आर्डिनो बोर्ड के D12 पर। इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे, करने के बाद हम लोग आसानी से इसका प्रोग्रामिंग डालेंगे और ये काम करेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो का अगर देख के अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।